मेरी मैम से बात हो रही थी ना, मैंने अपने बच्चे वहीं पर डाले जी। अकेली रहती थी, वे लाए, उन्होंने आश्रम के समीप रहकर श्री राम को अहिल्या का जो प्रसंग था पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार इंद्र ने उनके साथ छल किया और उनके पति को क्रोध आया और उन्होंने हमारे तीनों माननीय मुख्य अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं और हमारा सौभाग्य है। तो मैं अपने सभी अतिथि गणों के नाम यहाँ पर पुकारूंगा और उत्तराखंड युवा समिति के प्रधान श्री हरिंदर बिष्ट, महासचिव श्री दीपक भट्ट और जो हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, श्री संदीप भट्ट, श्री प्रदीप भट्ट, श्री विकास भट्ट और जो अन्य पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो जो मैं नाम पुकारूं हमारे अतिथियों को पूरे सम्मान के साथ वह दीप प्रज्वलन करने के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्री हिमांशु द्विवेदी जी और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ आई हैं। श्री हिमांशु द्विवेदी जी HOD हैं मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी के और रंगमंच विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर के ये हेड हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। इनके अतिरिक्त टिहरी ग्राम सुधार समिति के प्रधान श्री दीपक उनियाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री उनियाल जी भी मंच पर आए, हमारे पदाधिकारी उन्हें आदर सहित लेकर आए। इस विलंब के लिए क्षमा। तो हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलित करके और दीप में उपस्थित जो माँ जगदम्बा है, माँ पराम्बा है, माँ दुर्गा, हम अपने सनातन में ऐसा मानते हैं कि दीप की ज्योति में साक्षात माँ दुर्गा का निवास है। हम उनकी वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दीप की ज्योति में स्थित माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन से अंधकार को समाप्त करके हमारे जीवन को प्रकाशित करो, हम में प्रकाश भर दो, हमारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित कर दो। ऐसी हम वंदना सभी करते हुए दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीप की रोशनी में माँ जगदम्बा को देखते हैं और श्री बसंत बदूनी जो कि डेराबसी से आए हैं, वे भी कृपया यहाँ पर पधारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा जी। स्थान थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि राजमहल का दृश्य लगाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का स्वागत और जोरदार तालियों से एक बार सेक्टर 28 की जनता द्वारा हमारे अतिथियों को देव स्वरूप मानते हुए, अतिथि देवो भवा का भाव अपने हृदय में रखते हुए हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इन्होंने यहाँ पर आकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई है, हमारा मान बढ़ाया है, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमें दिया है। हम इनका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं निवेदन करूंगा अपने पदाधिकारियों से कि प्रकृति की जो अनुपम भेंट है पुष्प, उन पुष्प मालिकाओं द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री हरिंदर बिष्ट, श्री दीपक भट्ट, श्री प्रदीप भट्ट, श्री संदीप भट्ट, श्री अभिषेक शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा वे कृपया मंच पर आए। श्री सुनील पोखरियाल जी भी यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें। और श्री अभिषेक शर्मा जी आपका यहाँ होना आवश्यक है। श्री अभिषेक शर्मा जी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से इन्होंने मास्टर्स की है ये और कई वर्षों से ये टैगोर थिएटर में वर्तमान में डायरेक्टर हैं और लेकिन भगवान राम के प्रति अनन्य भाव रखते हुए ये रामलीला में अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं और ये जो रामलीला का समारोह है मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि श्री अभिषेक जी ने अपने कंधों पे इस समारोह को संभाला है। और एक और सूचना मैं आपको दे दूँ कि जो हमारे राम के पात्र का अभिनय यहाँ पर कर रहे हैं श्री वरुण शर्मा, वे भी इस समय डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से MA कर रहे हैं। ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ अनुपम खेर, किरण खेर ऐसे अन्य अभिनेता निकले हैं और आज डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के कई विद्यार्थी यहाँ पंडाल में मौजूद है, लीला देखने आए हैं। और मेरे लिए तो ये इतनी प्रसन्नता की बात है कि इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट जहाँ के कि पास आउट्स जो हैं फिल्मों में जाते हैं, बड़े उच्च स्तर पर वह थिएटर करते हैं और रामलीला में यदि उनकी रुचि जागृत हुई है
जैसे हमारे अभिषेक जी हैं, हिमांशु जी, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर आई हुई है, और ये थिएटर के लोग, यदि रामलीला में इनका पदार्पण हुआ है तो हम स्वयं को धन्य मानते हैं। और हमें गर्व होता है कि जो रामलीला करने वाले लोग हैं, एक समय था जिन्हें बड़े हास्य की दृष्टि से परिहास उनका किया जाता था कि तुम क्या ये रामलीला वाली जैसी बातें कर रहे हो, ये एक समय था। और आज एक समय है रामलीला में सबकी जो रुचि बढ़ रही है, तो ये भगवान राम की कृपा है। एक बार जोरदार तालियां फिर से सभी अतिथियों के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथियों से, क्योंकि हाँ मंच पर पधारे हैं, दो शब्द अवश्य कहें, उससे पूर्व आज की ये जो क्षण है इनको स्मृति के रूप में अपने हृदय में सदा के लिए अंकित करने के लिए एक छोटी सी भेंट उत्तराखंड युवा समिति द्वारा सर्वप्रथम श्री भट्ट और श्री प्रदीप भट्ट के द्वारा, श्री हिमांशु द्विवेदी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी के रंगमंच विभाग थिएटर डिपार्टमेंट के HOD हैं, और इनका तो बनता है, ये जिस दृष्टि से इस लीला को देख रहे हैं वो दृष्टि हम लोगों से भिन्न है। हालांकि राममय है, लेकिन क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में है तो अभिनय की बारीकियां ये अवश्य देख रहे होंगे। मैं चाहूंगा हमारे कलाकारों के लिए जो भी आप बोलोगे वे प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमारे सभी कलाकार पीछे सुन रहे हैं। श्री द्विवेदी जी, आप कुछ शब्द कलाकारों के लिए, आपके जो भी निर्देश हैं अवश्य कहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीकले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धरती पर नदी, पर्वत, उपवन, लताएं कुछ भी रहेगा, तब तक रामायण की कथा लोक में प्रचलित रहेगी। और उसी परंपरा का निर्वहन हमारे अभिषेक भाई, उनकी पूरी ये गढ़वाल नाट्य जो रामलीला कमेटी है वो निर्वाह कर रही है। और मैं भगवान राम की आपके ऊपर अनन्य कृपा है, जिस ढंग से राम की कथा जब तक ये संसार रहेगा तब तक रहेगी, उसी तरह से रामलीला की परंपरा सेक्टर चंडीगढ़ 28B की परंपरा अनवरत प्रवाहमान रहेगी जब तक इस संसार में प्रकृति प्रवाहमान रहेगी। जैसा कि मैं रंगमंच का व्यक्ति हूँ, रंगमंच का विद्यार्थी हूँ, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के आए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में होता है। जब हम एक परंपरा की बात करते हैं, अभिनय की परंपरा की बात करते हैं, तो रामलीला की परंपरा को इग्नोर किए बिना हम हिंदुस्तान के रंगमंच की बात नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के अभिनेता की बात नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का वास्तविक अभिनेता इसी परंपरा से पुष्पित, पल्लवित और पोषित होता है, उसके बाद वो बड़े बड़े पदों पर जाता है। तो रामलीला अलग अलग देशों में होती है, भारत में कम से कम 1500 प्रकार की रामलीलाएं होती है, 1500 प्रकार की कम से कम शैलियां हैं, लेकिन उन शैलियों से कितने बड़े बड़े अभिनेता निकले हैं वो सशक्त प्रमाण ये मंच है। तो मैं सभी कलाकारों को साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और आप सभी जो गुणीजन है उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि पाठ्यक्रम में तो है ही, रिसर्च का विषय है ही, लेकिन जितने भी दर्शक वृंद है वो भी अपने आप एक रिसर्च का विषय है। टैगोर थिएटर में इतने बड़े फ्लैक्स और कार्ड बटने के बाद भी 500 ऑडियंस नहीं आ पाती है, यहाँ बुलाए बुलाए नहीं पड़ रहा, जगह कम पड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये रामलीला की परंपरा है। मैं पुनः बारंबार सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपकी ओजस्वी वाणी से हम निश्चित रूप से ऊर्जित हुए हैं।